नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम को 28 साल बाद अपनी कोचिंग में विश्व कप दिलाने वाले दिग्गज कोच और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज गैरी कस्टन ने आईपीएल 15 में अपनी जगह बना ली है। गैरी कस्टन आईपीएल 2022 में वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी वापसी को लेकर आईपीएल में काफ़ी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि उनकी छवि भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप दिलाने वाले कोच के रूप में बनी हुई है। आपको बता दें कि ये बात सूत्रों के हवाले से पता चली है कि गैरी कस्टन को आईपीएल में अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का हेड कोच बनाया जा सकता है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब गैरी कस्टन आईपीएल में किसी टीम के मुख्य कोच बनने जा रहे हों। इससे पहले भी गैरी कस्टन दिल्ली डेयर डेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हेड कोच रह चुके हैं। इसके अलावा पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा भी अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के सपोर्ट स्टाफ में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ही 2011 विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे, जहां गैरी मुख्य कोच थे तो वहीं आशीष नेहरा तेज गेंदबाज थे। यानी कि एक बार फिर से ही इन दोनों को एक साथ काम करते देखना मज़ेदार होने वाला है। आपको बता दें कि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मगर जहां तक खबर आई है, गैरी ने भी मुख्य कोच के पद को अपनाने के लिए अपनी हामी भर दी है। गैरी कस्टन दुनिया के सबसे प्रभावशाली कोचों में से एक हैं। उनको एक बार फिर से आईपीएल फ्रेंचाइजी के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनते देख काफ़ी बेहतर होगा। साथ ही में आशीष नेहरा जैसे दिग्गजों का साथ अहमदाबाद टीम को भी काफ़ी फायदा दे सकता है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।